सवाल ही गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े, इसमें कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। उमर बंतक यस्टरडे सेड दैट शी हैजंट रिसीव्ड एनी इनवाइट एंड शी विल गो ऑन अबाउट हर रेगुलर प्रोग्राम। डू यू थिंक जनाब प्रियम मुल्ला जी, आई कांट स्पीक फॉर वेदर ममता जी हैज गॉट एन इनविटेशन और नॉट। आई कैन ओनली स्पीक फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसीव्ड एन इनविटेशन फॉर डिनर at the residence of the Congress president for tomorrow. Now if this meeting takes place, certainly we will attend. If for some reason it's postponed, then we'll see what happens going ahead. पर अफसोस हुआ, ये हमारे कुलगाम के ही लोग थे और शिमला में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि दोनों हिमाचल प्रदेश की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों को इनको माली तौर जो है उनके लवाइकीन जो है उनको मदद मिलनी चाहिए। मरकजी इलेक्शन नहीं है, लेकिन जब वो जीतते हैं वो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पर होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जी जी जी, क्या नहीं सकते। व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग जे एंड के, दे आर क्लेमिंग द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी आल्सो फ्रॉम बीजेपी। चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं, बिना इलेक्शन किए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। जब बीजेपी इलेक्शन करने की मतलब मूड में ही नहीं, जब उनको इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, जब वो जानते हैं कि लोगों के सामने उनको भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। अरे आप असेंबली छोड़िए, पंचायत के इलेक्शन करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। 5 जनवरी को आपकी पंचायतें खत्म होंगी, आपके म्यूनसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहाँ से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। कैन वी एक्सपेक्ट इलेक्शंस हियर इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। One is last. Is it true that when BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? Because they are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately,
in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan. Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze.